सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर वन एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में। और आप देख रहे हैं भूगोल एमपीपीएससी और ऐसी किसी भी एग्जाम जहां पर ये काम आएगा। सो भाई फटाफट फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, एक मिनट है आपके पास, एक मिनट में आपको शेयर करना है। जी हाँ, फास्ट फास्ट कर दीजिए। हेलो, चलिए ओके नाउ फाइन, ओके इट्स ओके, ओके फाइन 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 फाइन। सो हम आज पढ़ेंगे अफ्रीका, अफ्रीका पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा, एशिया महाद्वीप के पर्वत पठार पढ़े, एशिया महाद्वीप के हमने सागर पढ़ लिए हमने, अब अफ्रीका के पर्वत और पठार आज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अफ्रीका के सागर। ठीक है, सो अफ्रीका महाद्वीप पर चलते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि अफ्रीका के बारे में हमने अफ्रीका के कंप्लीट जितने भी देश है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि कौन कहां पर है। सो कौन कहां पर है उससे आपके लिए क्या क्लियर होता है। देखो मेरा उद्देश्य यह है कि वर्ल्ड का मैप आप देखें तो आपको कोई भी पॉइंट उंगली कर दे, ये क्या है नाइजीरिया, ये कौन सा पॉइंट है चार्ड, ये कौन सा देश है केन्या, तो आप आराम से अपना पूरा जो भी जहां जहां के वर्ल्ड के प्रमुख देश हैं कम से कम उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाए। तो आपको मैं मैप भी समझा रहा हूं और साथ में बहुत सारी चीजें आपको। जय हिंद, नमस्कार सभी के लिए। सो पेन कॉपी लेके बैठिएगा मित्रों, क्योंकि आपके लिए आज आपके लिए बहुत ही शानदार पर्वत और पठार पढ़ाए जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और वहां के पठार, उन पर हम जिक्र करने जा रहे हैं। सो फटाफट फटाफट उस जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, जब तक आपको एक जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी पर लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की पूरी टीम एमपीपीएससी एमपी पुलिस एमपी टेट की तैयारी करवा रही है। अनअकैडमी के माध्यम से आप मुझसे पढ़ सकते हैं, सुबह 8:30 बजे जो भूगोल आप देख रहे हैं और रात को 7 बजे देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा ये कंप्लीट सामान्य ज्ञान हो गया है, यानी कि इंडिया का भी और मतलब पूरा कंप्लीट सामान्य ज्ञान। मेरा नाम है दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर। 14 साल से अधिक अनुभव पढ़ाने का हो गया है, 2 बार मेंस लिख चुका हूं और 8 लाख सुपर बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं ऑनलाइन। यूट्यूब पर और अनअकैडमी पर मेरी 2 फ्री क्लासेस चलती हैं। एक चलती है सुबह 9:30 बजे जो कि आज 10:30 पर रहेगी, क्या रहेगी 10:30 बजे रहेगी। ठीक है, आज की क्लास शिफ्ट है। और रात को 8 बजे क्लास रहती है पर्यावरण की। सो ये 2 क्लासेस फ्री चल रही है। तो आज हवेली क्लास कितने बजे रहेगी 10:30 बजे, हवेली क्लास 10:30 बजे। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे। पेड करते हो आप कभी भी पेमेंट करते हो तो कोड दे रहा हूं बेटा, सबसे बेहतरीन कोड है डीटी लाइव, इसको लगाने से आपको बहुत सारा फायदा मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी पेड क्लास 10 बजे चलती है। आप पुराना एमपी जीके देखना चाहें तो एमपी जीके बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लेना, आपको 2 सीरीज मिल जाएंगी, दोनों सीरीज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहां पर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलती है पीडीएफ मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड वीडियोस डाउनलोड करके देख सकते हो और मैगजीन मिलती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के माध्यम से। और हां सबसे बड़ी खास बात, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके संदेह को समाप्त किया जाता है अनअकैडमी के माध्यम से। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। 50 से ज्यादा फैकल्टी पढ़ाती है। फ्री लेक्चर देखना है तो देखो एमपीपीएससी व्यापम गोल चूज करना, गोल चूज करने के बाद आप मुझे फॉलो करना इस नाम से, फॉलो करोगे स्पेशल क्लास मिलना शुरू हो जाएगी मेरी भी और सबकी। ठीक है,
17,000 से ऊपर बच्चों ने मुझे फॉलो कर लिया है, आप भी फॉलो कर सकते हैं फ्री लेक्चर के लिए। और हाँ, पेमेंट करने जाएंगे तो एक कोड दे रहा हूं मैं आपको, DTLIVE, DT लाइव। इस कोड का उपयोग करेंगे तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी बात ये कि आपको मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी, और तीसरा सबसे खास बात ये, इससे आपकी MPPSC की प्री और मेंस, पुलिस की तैयारी, जेल प्रहरी की तैयारी, पटवारी की तैयारी, लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी, सारी क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है 7,900 रुपए में एक साल तक, और दो साल की तैयारी फीस है मात्र है। लेकिन हाँ, पेमेंट जब भी करेंगे कोड DTLIVE लगाना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया चलते हैं अफ्रीका के महाद्वीप की तरफ। लेकिन उसके पहले ये देखो, ये मैगजीन मिल जाएगी, नई नई क्लासेस चल रही हैं, सब मिल जाएगा, बट कोड आपको DTLIVE लगाना है, तो ध्यान रखना है। चलो भैया अफ्रीका पर चलते हैं। सबसे पहले आ चुके सब लोग, जय हिंद, नमस्कार। आवाज क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। चल ओके, नाउ एटलस पर्वत अगर आपने सुना हो तो एटलस एक बहुत ही विशाल पर्वत है जो कि अफ्रीका के उत्तरी छोर पर स्थित है, अफ्रीका के उत्तरी छोर पर स्थित है, अटलांटिस, और अगर इसको हम बीच में से डिवाइड करें, अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करें तो ये पश्चिम उत्तर में, तो पश्चिमोत्तर में स्थित है 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला, 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला एटलस पर्वत। यह पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया, यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, मोरक्को ये अल्जीरिया नीचे है और ट्यूनिशिया, हमने हालांकि पढ़ रखे हैं ये वाले देश। सो मोरक्को से फैलती हुई कुछ पार्ट अल्जीरिया में, अल्जीरिया में ज्यादा भी है वैसे तो, और ट्यूनिशिया तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे ऊंचा पहाड़ मोरक्को में ही स्थित है। सो ये पूरी पर्वत श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, 2500 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो 4,167 मीटर ऊंचा, यानी कि लगभग लगभग 13,671 फीट, ये फीट आएगा, लंबा, ऊंचा, ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा है ना, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तुबकाल पर्वत एटलस पर्वत में मौजूद है मोरक्को में। सो ये देखो तुबकाल पर्वत का क्वेश्चन आ सकता है, मोरक्को का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कहां पर है, या फिर हमारे दिमाग में कम से कम ये पता होना चाहिए भैया कि एटलस पर्वत कहां पर है। सो एटलस पर्वत तीन कंट्रियों में फैला हुआ बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, ठीक है। दूसरा कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत ये आपका पश्चिमी अफ्रीका के उत्तर और उत्तर पश्चिमी छोर पर कटाव पूर्ण यानी कि ब्रोकन, ये भी हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जैसा टूट फूट वाला, टूटा फूटा एक पर्वत है, और विषम धरातलीय, विषम धरातलीय मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यानी कि ये इम्बेलेंस्ड है, ठीक है। और पर्वत श्रेणी पश्चिम छोर पर स्थित लगभग लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पर्वतमाला है कैमरून, दिख रहा है बिल्कुल आपको, ये रहा कैमरून। कैमरून पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहां पर दो बड़े प्रमुख शिखर हैं, बड़ा कैमरून 13,370 जिसमें ज्वालामुखी भी अवेलेबल हैं, क्रेटर्स भी अवेलेबल हैं। सो ज्वालामुखी है, क्रेटर्स है इसके अंदर, साथ में एक छोटा कैमरून है 5,820 जिसकी ढाल पर बहुत सारे घने वन उपलब्ध हैं, बहुत सारे घने वन हैं, ये घने वनों से आच्छादित है। यह पर्वत संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 400 से
540 इंच वर्षा होती है, तो वर्षा वाले क्षेत्रों में ये माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि समुद्री हवाएं, यहां पर दो प्रकार के मानसून आते हैं, चक्रवाती मानसून आते हैं, ठीक है, वो प्रतिचक्रवाती मानसून। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों से, चक्रवात प्रतिचक्रवात दोनों से आने वाले मानसून की वजह से यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। और ये कैमरून पर्वत कहां स्थित है? कैमरून पर्वत कहां स्थित है? अफ्रीका में। कैमरून पर्वत के दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर। और एस्चुरी खाड़ी, मुंगो यानी कि वूरी नदियां इसके अंतर्गत बहती है, तो वूरी नदी के बारे में भी आप यहां पर जान सकते हैं। वूरी नदी, ये रही वूरी नदी, दिख रही है आपको? वूरी नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, गल्फ ऑफ गुयाना यानी कि गुयाना की खाड़ी में। सो वूरी नदी इसी कैमरून पर्वत श्रृंखला से बहने वाली एक नदी है। वूरी नदी इसी पर्वत श्रृंखला से बहने वाली एक नदी है। जैन भैया सभी के लिए, जैन सभी के लिए। इसके बाद चलते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो गाना याद तो नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है क्या है? किलिमंजारो का गाना याद आ रहा हो तो ऐश्वर्य राय दादागी हो सभी को, कोई बात नहीं। किलिमंजारो पर्वत जो है ये भी बहुत ही फेमस पर्वत है। किलिमंजारो तीन ज्वालामुखी शंकु, किबो, मेवेंजी और सिरा के साथ तंजानिया के एक निष्क्रिय जो कि स्ट्रोटो ज्वालामुखी है, और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत भी इसी में किलिमंजारो है। सो किलिमंजारो पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, और यहां पर तीन ज्वालामुखी शंकु पर ये अवेलेबल है, और स्ट्रेट ज्वालामुखी, जी हाँ, स्ट्रेटो ज्वालामुखी, नोट कर लेना एक मिनट को, हाँ जी हाँ, नोट करते जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी के लिए, नोट करते जाना बच्चों सब लोग, ठीक है। किबो, मेवेंजी, सिरा ज्वालामुखियों के बीच एक निष्क्रिय ज्वालामुखी स्ट्रेटो है जिसके मध्य किलिमंजारो स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया केन्या के बीच में स्थित है, और बिल्कुल सही शानदार। यहां पर कुछ पॉइंट और नोट करने लायक है कि इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर, लगभग 5,895 मीटर, लगभग 19,000 फीट है। किलिमंजारो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत माना जाता है, मतलब कि जैसे कि बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें आसपास में बहुत सारी और भी पर्वतीय मालाएं होती हैं, जैसे कि हमारा हिमालय है, हिमालय बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, लेकिन किलिमंजारो अपने आप में एक सिंगल पर्वत जो कि मुक्त पर्वत है, खड़ा पर्वत है, और विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है जिसका समुद्र तल से 5,882 या 5,895 मीटर बताया जाता है। कहीं कहीं 95 मिलेगा, कहीं पर 82 मिलेगा, बट किलिमंजारो विश्व के ऊंचे पर्वतों में से एक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये अपने आप में एक मुक्त खड़ा पर्वत है जिसमें कोई भी और मतलब पर्वत श्रृंखला नहीं है यहां पर। मितुम्बा, क्या? मितुम्बा, मितुम्बा पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है मितुम्बा पर्वत श्रृंखला। आप देखो माउंटेन बुरुंडी के पास में, पूर्वी कांगो DRC, पश्चिमी, एक मिनट, अटक गया, ठीक है। मितुम्बा पूर्वी कांगो
हेलो, क्लियर है आवाज? यार ये वाई लगा देना, वाई सही हो तो। ललिता जी, ऋतु जी, ऋषभ जी, भास्कर, बॉस जी, बहुत बढ़िया, शानदार, सीमेंट के रंग। क्लियर? ओके, डन। मितुम्बा पर्वत श्रृंखला, मितुम्बा पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे, एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो डीआरसी में मौजूद है, पूरी डीआरसी में ही है। देखो, ये डीआरसी हो गया, ये रिपब्लिकन हो गया, ये डेमोक्रेट रिपब्लिक, आपका जितना भी एरिया है मैक्सिमम यहीं पर है। और तंजानिया की झील के पश्चिम में भी फैला हुआ है, तो तंजानिया की झील के पश्चिम में ये फैला हुआ है, यहां रहा, तंजानिया की झील की पश्चिम में फैला हुआ है। दो प्रमुख चोटियां इसकी हैं, माउंट काहुजी और माउंट बियेगा, माउंट काहुजी और माउंट बियेगा, जो कि सुप्त ज्वालामुखी हैं, उनके बीच में फैला हुआ है। डेंसकेबर्ग पर्वत की बात करें तो साउथ अफ्रीका, आपने देखा सबसे नीचे साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में स्वाजीलैंड और लुसोतो दो ऐसे देश हैं जो साउथ अफ्रीका के बीच में भी स्थित है, यानी कि देश के बीच में देश, ठीक है। अब यहां पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, लेकिन साउथ अफ्रीका के कहां पर है? साउथ अफ्रीका के कहां पर है? दक्षिण में और पूर्व में स्थित है, और इसका सर्वोच्च बिंदु है हवाना एंटरलियाना। हवाना एंटरलियाना यहां का सबसे ऊंचा बिंदु है। बहुत बढ़िया प्रिया राय जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इस पर्वत की ऊंचाई 3482 मीटर और लंबाई लगभग लगभग 12,290 मीटर है। सो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, साउथ अफ्रीका में ऐसे स्थित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेसोटो के आगे, ये गलत जगह बना हुआ है, यहां पर, यहां बना हुआ है लेसोटो के पास और यहां पर स्वाजीलैंड के पास, तो लेसोटो स्वाजीलैंड से लेकर है, लंबा पर्वतमाला है, काफी लंबी पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी, लगभग 1,290 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला, ठीक है, परफेक्ट है प्रिया जी, थैंक यू, बहुत शानदार। माउंट मेरू, माउंट मेरू भी तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो से 70 किलोमीटर पश्चिम में एक सुप्त स्ट्रेटो वेल्केनो समझते हैं, स्ट्रेटो वेल्केनो जो कि सुसुप्त है, ये फूटता नहीं है, सुसुप्त वेल्केनो है ये। 4,562 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्पष्ट माउंटेन किलिमंजारो से ये दूर से दिन के समय दिखाई देता है, और आप देख सकते हो किलिमंजारो पर खड़े होकर कि भैया ये सामने एक पर्वतमाला है, और ये अफ्रीका का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका, जी हाँ, तंजानिया का। बहुत बढ़िया, शानदार। आशो जी, गुड मॉर्निंग भैया, कुछ लोग अच्छे लेट लेट हो गए, क्या बात है भैया, लेट मत हुआ करो यार, मैं जो भी आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना आसान मत समझिए इसको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इतने हलवा क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने इसको एक दो बार देख लिया ना, सारे वीडियोस को डिस्कशन में लिंक दी है, प्लेलिस्ट में, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप ज्ञानी व्यक्तियों में आ जाते हैं, ठीक है। किलिमंजारो सुना नहीं है अपन ने कभी, माउंट एवरेस्ट बस सुना है कभी, तो ठीक है, ये आपने गुयेना का पर्वत नहीं देखा, तो आपने, तो यार देखो क्या होता है कि जब चीजों को आप समझेंगे ना, तिब्बती पर्वत, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपने एक दो बार देख लिया तो, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का मैप आपको पता होना चाहिए, उससे आप बहुत ही वो हो जाते हैं, एक एनरिच, किसको बोलते हैं यार, मैंने कुछ दिनों पहले एक बात बताई थी बच्चों को कि किताबी ज्ञान और सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल होता है हमेशा, जिसको सारी चीजें पता रहती है सामान्य ज्ञान की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, तो सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं होता, बहुत टफ होता है, पढ़ो ध्यान से उसको, ठीक है जी। एक लाइक ठोक दो यार बेटा, ऐसा क्या कर रहे हो,
टिबेस्टी या तिबस्ती पर्वत मध्य सहारा में एक पर्वत स्थल है, ठीक है, सहारा के बीच में स्थित है। और यह देखो सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है हमारे वर्ल्ड का, ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिणी लीबिया में एक छोटे विस्तार के साथ चाड में स्थित है। जी हां, तिबस्ती, तिबस्ती चाड में स्थित है। कहां पर स्थित है? चाड में। जी हां, ये मान के चलो कि सहारा जो आप पढ़ेंगे, अपन अभी सहारा जब पढ़ेंगे तो सहारा आपका चाड तो ठीक है, चाड के साथ साथ सूडान, इजिप्ट, लीबिया और अल्जीरिया, लगभग ये मान चलो कि सारे ये ऊपर के जो देश है ना, ये सारे कवर हो जाएंगे सहारा मरुस्थल में। बहुत बड़ा मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, मतलब आप थक जाओगे पढ़ पढ़ के, इतना बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। मूंगफली बोलो मुंगमुन्ना जी, हम तो मूंगफली बोलते हैं तंजानिया के राष्ट्रपति को, जैन मूंगफली, मूंगफली बोलते हैं मूंगफली, ठीक है, हाँ मूंगफली बोलते हैं अपन उसको, परफेक्ट है, ठीक है। तिबस्ती पर्वतमाला की बात करें तो 3495 मीटर ऊंचा, एरिया लगभग लगभग 100,000 वर्ग किलोमीटर, और एमी कोसी इसका हाइएस्ट पॉइंट है, एमी कोसी इसका हाइएस्ट पॉइंट है। तो तिबस्ती पर्वतमाला कहां पर है? अफ्रीका में है, और ये आपकी सहारा मरुस्थल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सहारा मरुस्थल में बीचों बीच स्थित है। यहां पर हमारे जागृति जी ने लिखा है, नहीं विवेक जी ने लिखा है, ड्राइंग के स्वर्ग पर्वत का स्थानीय नाम क्वाथा लंबा है। अभी विकेश जी अच्छी बात है कि आप आज जल्दी आ गए क्लास में, आज की हमारी हवेली की क्लास कितने बजे मालूम आपको? 10:30, 10:30 पर, 10:32 है, इवन 10:32 पर है, ठीक है। क्या हुआ था कल रात को मैं लेट आया, करीब 12-1 बजे आया, तो क्लास क्रिएट करना भूल गया मैं, तो वो हो नहीं पाई, ठीक है। सो हमने फिर अब सुबह क्रिएट कर, तो 3 घंटे पहले करनी पड़ेगी, तो हो गया मेरा काम। माउंट जी हाँ, चलो आसो जी यहां बातें कर लो, यहां दिखते हैं फ्री और पेड मेंबर सबके कमेंट दिखते हैं, ठीक है। वहां बोलते हो पेड मेंबर कमेंट नहीं दिखते हवेली पे, यहां दिखेंगे। माउंट ताहत अल्जीरिया के सबसे ऊंची चोटी है, कहे कि ये अल्जीरिया की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की नहीं है, अफ्रीका की किलिमंजारो हो गई। यहां पर क्या हो गया कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है आपकी? ये अल्जीरिया की है, 2908 मीटर, और कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है 9218 बताते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, बट हम 2908 पर थैंक यू विकेश जी, धन्यवाद। यहां पर अल्जीरिया में ये जो लोकेशन दिख रही ना, अगर ये अल्जीरिया पूरा आपका मैप, ये अल्जीरिया है, ये साउथ अफ्रीका का अल्जीरिया है, इसके भी साउथ में यहां पर ये रहा आपका माउंट ताहत, ठीक है, माउंट ताहत इस एरिया में है। हालांकि सहारा डेजर्ट तो यहां से भी चालू होता है, सहारा डेजर्ट तो आपका पूरा यहां लगा रहेगा, है ना, ये भी एक के सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है, सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा है ना, बहुत सारी कंट्रीज कवर करेगा ये। किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है, इसे मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है, कहां पर है? विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के करीब स्थित है। दूसरा, अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण किलिमंजारो पर्वत के ऊपरी भाग में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर बर्फ के बड़ी बड़ी चादरें, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, और समुद्र से की ऊंचाई देखो 5895 मीटर है। यहीं पर रोबोट फिल्म का गाना
किली मंजारो लड़की पर्वत की यारो, इसी पर्वत के ऊपर आधारित है। ठीक है, सुधाना तो नहीं गाना किसी को, सुनना तो नहीं किसी को। युगांडा, वैसे मुझे अच्छा ही लगता है गाना। युगांडा देश में स्थित रावनजारो पर्वत को टॉमी द्वारा चांद का पर्वत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चांद पर्वत की संज्ञा दी गई है रोमंजारो। अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत, हमने दिखाया है अभी आपको, और दक्षिण पूर्व में ड्रेसबर्ग पर्वत। बहुत बढ़िया, शानदार। नहीं, ये नहीं गाऊंगा मैं, अच्छा नहीं लगता मेरे को, अच्छा गाना नहीं है। चलो भैया, अब चलते हैं अफ्रीका के महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की तरफ। ठीक है, ये मरुस्थल क्यों आ गया यार, आज तो वो आना था ना, पठार। चलिए, मरुस्थल और पठार एक साथ ही हैं, मरुस्थल और पठार एक साथ ही हैं, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगा पठार भूल तो नहीं गए लोग, नहीं भैया, मरुस्थल और पठार एक साथ ही हैं। तो मरुस्थल थोड़े से, दो तीन मरुस्थल पढ़ लेते हैं, एक ही तो पूरा काम कर देगा आपका सहारा, उसका बचा क्या। ठीक है, सो ये हम पढ़ते हैं मरुस्थल और साथ में पढ़ते हैं पठार, दोनों चीजें एक साथ है। देख लो भैया, आधा अफ्रीका खा गया, आधा तो नहीं बोल सकते लेकिन 25% तो खाया जाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज, ध्यान से समझना। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। सहरा शब्द देखे, सहरा उसका मतलब ही होता है मरुस्थल। ये उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। अटलांटिक से लाल सागर तक फैला हुआ अपने आप में, यानी कि दो महासागरों के मध्य में रेगिस्तान है यार, क्या बात है। ठीक है, यहीं पर इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन शामिल है, जो अफ्रीका का 31%, सोच लो आप, पूरे अफ्रीका का 31% है। जी हाँ, बिगेस्ट तो है ही सही। यह सारा डेजर्ट दिख रहा है, मुर्तानिया, माली, नाइजीरिया, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, सॉरी नाइजर, नाइजर, इजिप्ट, ठीक है, मोरक्को, रक्को तक भी फैला हुआ है। मतलब ये मान चलो कि ये लाल सागर ये रहा, और ये आपका भूमध्य सागर में भी टच हो जाता है कहीं कहीं ऊपर भी, और यहां पर आपका मिल गया अटलांटिक। तो इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा मरुस्थल है ये, जिसमें कि पूरा 31% क्षेत्रफल ऐड हो गया सारा मरुस्थल अफ्रीका का। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के क्षेत्रफल से दोगुना अधिक है, भारत के क्षेत्रफल से दोगुना अधिक है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनिशिया के बड़े हिस्से कवर करता है। तो आप चाहें तो नाम कभी लिख लेना, जरूरी नहीं है कि इनके नाम पूछे जाए, बट ये एक बड़ी बात है, कितने सारे कंट्रीज कवर करना। ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है, और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। परफेक्ट है, परफेक्ट भैया, एक लाइक ठोको फिर आगे बढ़ेंगे। 13 देशों में फैला हुआ, बिल्कुल सही है। तो 13 देशों में फैला हुआ, 13 देशों में फैला हुआ सहारा डेजर्ट। ईस्टर्न मरुस्थल की बात करें, ईस्टर्न डेजर्ट, अब इसी में ईस्टर्न मरुस्थल मिस्र के पूर्व में नील नदी, मिस्र में एक नील नदी है, मालूम है आपको, इजिप्ट में एक नील नदी है, ये लाल सागर है। तो नील नदी और लाल सागर के बीच में फैला हुआ एक दक्षिण पूर्व में स्थित अरेबियन रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्व सूडान और नील नदी घाटी के स्वेज और लाल सागर की खाड़ी तक फैला हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न मरुस्थल यह लगभग 85,000
690 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है, जो मिस्र की सतह का 21% है। यानी कि मिस्र का 21% है, मिस्र का, ना कि अफ्रीका का, ध्यान रखना। ठीक है, ओके डन। नुबियन मरुस्थल ये भी आपका इजिप्ट के राइट में ही, रेड सी के पास में नुबियन डेजर्ट दिख रहा है, इजिप्ट के नीचे है ये भी। और यहां पर नुबियन रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में है, जो नील नदी और लाल सागर के बीच में, ये भी उसी के बीच में है, और उत्तरी सूडान और उत्तरी इट्रिया के लगभग लगभग 400,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एक डेजर्ट है। कितने सारे डेजर्ट है, कितने सारे मरुस्थल है, सोच लो आप। मतलब मरुस्थलों की भूमि कह दो अफ्रीका को तो कोई बुरी बात नहीं है, मरुस्थलों की भूमि, क्योंकि एक दक्षिण में भी है इनके पास, नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल नामीबिया से याद रहेगा आपको, नामीबिया का तटवर्ती क्षेत्र, नामीबिया का तटवर्ती क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है, नामीबिया का तटवर्ती क्षेत्र, तो ये तटीय मरुस्थल कहलाता है अफ्रीका का। और देखिए तटीय मरुस्थल है, और इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा और रेगिस्तान, मतलब बहुत बड़ा स्थान। तो नामीब का अर्थ क्या होता है, नामीब का अर्थ होता है बहुत बड़ा स्थान, और ये है रेगिस्तान, नामीब ऑफ नामीबिया। सो नामीबिया का तटीय क्षेत्र पड़ता है यहां पर, तटीय क्षेत्र है यह। अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका लग जाता है, यहां से नामीबिया हो गया और अंगोला हो गया, तो यहां से लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर का पतला पतला पट्टी में फैला हुआ एक है मरुस्थल है। सहारा में बोली जाने वाली भाषा अरबी है। सहारा मरुस्थल में ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया विवेक जी और प्रिया राय जी, लगातार इनपुट देते हुए, गुड, ग्रेट। कालाहारी डेजर्ट, पूरा साउथ अफ्रीका को मरुस्थलों का भूमि कहा जाए तो बड़ी बात है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। यह क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका की सीमाओं में लगभग 900,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, सो ये एक बात हो गई। पंकज जी आए कि नहीं आए, पंकज जी हेलो, बच्चे याद कर रहे हैं। कुछ पठारों के नाम भी देख लो भैया, इथियोपियाई हाईलैंड पठार। आज हमारी जो क्लास रहेगी हवेली की, वो कहां रहेगी, 10:30 बजे। इथियोपियाई हॉलैंड, इथियोपियाई में पहाड़ों का एक उबड़ द्रव्यमान, उबड़ खाबड़ एक एरिया है, जो पूर्वोत्तर अमेरिका में हॉर्न के क्षेत्रों में स्थित है, और इसकी ऊंचाई, मतलब ये मान के चलो कि इथियोपियाई देशों में ये 3-4 कंट्रियों की बाउंड्री पर फैला हुआ है। परफेक्ट है। अब यहां पर कुछ नोट करने वाली बात है कि भैया इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा से 500 मीटर से नीचे गिरती है, जबकि शिखर 4550, ये एकदम प्लेन नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, सो एक उबड़ खाबड़ है। कभी कभी ऊंचाई और बड़े क्षेत्रों के कारण अफ्रीका की छत भी से कहा जाता है। तो ये भैया अफ्रीका की छत के रूप में इथियोपियाई पठार को आप बोल सकते हैं, जैसे तिब्बत को दुनिया के पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं, पामीर के पठार को, वैसे ही इथियोपियाई पठार को आप अफ्रीका की छत कहा जाता है, ये नोट कर सकते हैं। और ये समतल एक सा प्लेन सब जगह नहीं है, ये उबड़ खाबड़ भी है। अधिकांश इथियोपियाई हॉलैंड मध्य और उत्तरी इथियोपियाई का हिस्सा है, और इसका उत्तरी भाग जो है ना वो इरिट्रिया में भी है, उत्तरी भाग यह है इरिट्रिया। ठीक है, और देखो यार यहां पर छोटे छोटे इथियोपियाई का, उत्तरी इथियोपियाई का हिस्सा तो है ही, सही है,
ठीक है, बस परफेक्ट। चलो भाई नोट करो फटाफट। कालाहारी विश्व का विशाल मरुस्थल है या देश की सीमा में 9 लाख किलोमीटर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विवेक जी, शानदार। नोट्स बनाते हैं भैया, बिना नोट्स के कुछ भी काम का नहीं है आपके, सब वेस्ट चला जाएगा। लोकेशन याद हो गई? लोकेशन दिख गई आपको? इथोपिया, हॉलैंड। चलिए भैया थोड़ा सा बीच में चलते हैं। पूर्वी अफ्रीकी पठार, पूर्वी अफ्रीकी पठार युगांडा, केन्या और तंजानिया। कहां पर? युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य अफ्रीका में पूर्वी भाग में एक बड़ा पठार है। इसकी ऊंचाई ज्यादातर 1000 से 5000 मीटर तक है। यह उत्तर दक्षिण में चलने वाली, उत्तर दक्षिण में चलने वाले कई क्षेत्रों में विभाजित है। येरा, येरा, येरा। इसमें कुछ कुछ पर्वत घाटियों का भी समावेशन मिलता है। यानी कि पठार क्या होता है, एकदम प्लेन माना जाता है कि पठार भैया लंबे लंबे मैदान होंगे? नहीं, इस पठार में कुछ माउंटेन्स भी हैं, छोटे मोटे माउंटेन्स भी हैं, और इन पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ रिफ्ट घाटियों के साथ बना हुआ एरिया भी है जहां से नदियां डायरेक्ट आके समुद्र में मिलती है। पूर्वी अफ्रीका पठार के बाद चले तो भाई पठार, बाई पठार देखे तो इसके बाई ओर है ना, कितना अच्छे से याद रहेगा बाई ओर। बाई पठार अंगोला के अंदर देखे तो बाई पठार अंगोला का केंद्रीय पठार है। अंगोला की बिंदी जैसा इसे माना जाता है, अंगोला का केंद्रीय पठार है। इसकी ऊंचाई 1500 से 1830 मीटर तक है। अंगोला कहां पर है? अंगोला आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। अफ्रीका देखो, साउथ अफ्रीका देश अलग है भैया, उससे कंफ्यूजन मत करना। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पोर्शन में स्थित है, और यहां अंगोला में हमने देखा एक बाई पठार है। सो बाई का पठार अंगोला में है। शानदार प्रिया राय जी। भैया एक पॉइंट है, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेसेल्स है। सो हमने कल देखा था सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। कहां गया ये रहा, ठीक है, अल्जीरिया परफेक्ट है। लगभग 2.8 समथिंग मिलियंस लाख किलोमीटर, 2.38 था शायद। हाँ ओके डन, कोई बात नहीं। कटंगा, कटंगा पठार, ऐसा लग रहा कटंगी जबलपुर के पास में हमारे यहां। कटंगा पठार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक डीयू ऑफ कांगो आरडीसी। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था आरडीसी में, हमने एक पर्वत भी देखा था। पठार की बात करें, समतल से 1220 मीटर ऊंचा है कटंगा का पठार। तांबे और यूरेनियम के भंडार यहां पर हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तांबे और यूरेनियम के भंडार यहां पर स्थित है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो नोट कर लीजिए, जो काम आ जाएंगे आपके। अफ्रीका का उष्ण घास का मैदान सवाना और शीतोष्ण घाट के मैदान वेल्ड कहे जाते हैं। नोट कर लेना सवाना क्वेश्चन, आज तो जी याद है सवाना का क्वेश्चन आया था, मैंने परसों पूछा था, पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाना अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, याद करो घास का मैदान मैंने पूछा था रात को 8 बजे वाली क्लास में पूछा था। तो ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं दोस्तों, पीएससी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर जो बच्चों ने 8 बजे वाली क्लास देखी होगी, मैंने बिल्कुल विवेक जी शादाब भी थे, जो भी बच्चे होंगे, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान बहुत बड़ा घास का मैदान है और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये माना जाता है, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है, यानी कि उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और इसका क्षेत्रफल यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग बराबर है। ये मान चलो यूनाइटेड स्टेट जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बराबर है। जॉस का पठार टिन,
जॉस का पठार जो है ये टिन भंडार के लिए जाना जाता है, और बाई का पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो बाई का पठार कहां देखा था अपने अभी, आंख बंद करो, अंगोला याद आएगा, अंगोला की बिंदी याद आएगा, ठीक है। अफ्रीका में कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो ये बिल्कुल नोट कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कल परसों मैंने 9:30 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन पूछा कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो कांगो नदी दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। बहुत बढ़िया प्रिया राय जी, शानदार, सीमेंट के रंग लिख लो, लिम्पोपो मकर कांगो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो मकर को काटती है, बहुत शानदार। और माही हमारे यहां कर्क को, माही कर्क रेखा को काटती है। चलने दो। सोमाली पठार इथोपिया उच्च भूमि के पूर्वी भाग में स्थित है और यह पेट्रोलियम संसाधन का संपन्न क्षेत्र है, सोमाली का पठार, ठीक है। सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये विक्टोरिया, बिल्कुल सही है, विक्टोरिया स्वर्ण बांध इस पर बना हुआ है। केप काहिरा, केप और काहिरा के बीच का, अच्छा काहिरा कहां की राजधानी है कोई बताएगा, काहिरा कहां की राजधानी, काहिरा से याद आया। प्रिया राय जी बहुत ही शानदार इनपुट दे रही है भैया, शानदार सीमेंट के रंग। काहिरा किसी को याद है कि नहीं, सो केप काहिरा के मध्य का रेलमार्ग सबसे लंबा रेलमार्ग है अफ्रीका का, मिस्र की राजधानी काहिरा, बिल्कुल सही, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा, बहुत बढ़िया, शानदार सीमेंट के रंग। भैया हवेली पर क्लास रहेगी आज 10:30 पर, कब रहेगी, 2 मिनट में। एक बहुत बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं मैं, 2 क्वेश्चन बच्चों के, फ्री क्लास मेरी कैसे मिलेगी एक, दूसरा आपको पेड मेंबरशिप क्यों लेनी चाहिए। सन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, गोल चूज कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम, ठीक है। एमपीपीएससी व्यापम गोल चूज करने के बाद आप बस मुझे फॉलो कर लेना, इस नाम से नाम सर्च करोगे दिनेश ठाकुर, मेरा फोटो दिखेगा, फॉलो कर लेना। जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद अगर आप पेड कोर्स लेना चाहेंगे तो भैया देखो, फॉलो करेंगे स्पेशल क्लासेस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्वाइन कर लेना। डीटी लाइव रेफरल कोड जो मैं दे रहा हूं, इससे आपको मेंटरशिप मिलती है मेरी, और साथ में मिलता है मेरा आपका, यहां पर बच्चे जो भी लाइव देख रहे हैं, पुलिस पीएससी मेंस प्री लेवल इंस्पेक्टर, यानी कि सारी एग्जाम की तैयारी 7,800 रुपये में 1 साल तक, 11,500 में 2 साल तक, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं जी हाँ। तो बहुत बढ़िया, शानदार सीमेंट के रंग। तो भैया डीटी लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 16, साथ में आपको पीडीएफ मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज और साथ में बहुत सारी मेरी तरफ से जो भी सहायता हो सकी है मैं करूंगा आपके लिए, निश्चिंत रहिएगा। सो डीटी लाइव रेफरल कोड आप लगाइए और आप मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आज हवेली क्लास कब है, 10:30 बजे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।